गल्ला व्यापारी अपहरण कांड का पुलिस ने किया खुलासा। एक अभियुक्त गिरफ्तार, तीन अन्य फरार, तलाश जारी। थाना छपिया क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम करनपुर से गल्ला व्यवसायी सील प्रसाद उर्फ बबलू का उनकी दुकान से मारुति अल्टो सवार चार अज्ञात लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। वादी शिवम गुप्ता के तहरीर पर थाना छपिया में मुकदमा संख्या 76/22 धारा 364 भादवी का अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने घटना को संज्ञान में लेते हुए तीन टीमें गठित कर अपहृत की सकुशल बरामदगी व आरोपी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश थाना अध्यक्ष छपिया को दिए थे। पुलिस टीम के सक्रियता से आरोपी अपहृत सील प्रसाद को बनकटवा गांव थाना क्षेत्र पेकोलिया बस्ती बॉर्डर के पास छोड़कर फरार हो गए थे। छबिया पुलिस द्वारा सुराग सी पतार सी कर अपहरण कांड में संलिप्त अभियुक्त रवि प्रकाश उर्फ रिंकू को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त रवि प्रकाश ने आर्थिक तंगी के चलते धन उगाही के उद्देश्य से अपने साथी अभियुक्तों के साथ मिलकर अपहरण कांड का षड्यंत्र रचा था। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना छपिया में विधिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार अभियुक्त रवि प्रकाश उर्फ रिंकू पुत्र नरेंद्र कुमार निवासी चुवार थाना छपिया जनपद गोंडा। पंजीकृत अभियोग मुकदमा संख्या 76/22 धारा 364 भादवी 120B भादवी थाना छपिया जनपद गोंडा। गिरफ्तार कर्ता टीम थानाध्यक्ष छपिया चितवन कुमार मैं टीम। जनपद गोंडा में थाना छपिया अंतर्गत दो दिन पूर्व एक व्यापारी के अपहरण होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल जो है टीमें निकाल दी गई थी हमारे सीओ साहब के नेतृत्व में। जो बदमाश थे वो व्यापारी को छोड़ के चले गए थे, लेकिन उसके बाद मुकदमा पंजीकृत करके लगातार हमारी टीमें लगी हुई थी। इसमें आज जो है टीम को सफलता हाथ लगी है। 24 घंटे के अंदर इस घटना के अंदर जिस गाड़ी का प्रयोग हुआ था वो गाड़ी जिसके ओनर था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये व्यक्ति रवि प्रकाश इसके रेकी में भी इन्वॉल्व था और गाड़ी प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व था, और इसी के माध्यम से अन्य जो लोग थे उनका भी नाम और पता हमें मालूम चल चुका है। फिलहाल इस घटना में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अन्य जो व्यक्ति है उनकी भी पहचान करके उन पे इनाम कर दिया गया है, और ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस तरीके की घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं उन सभी को रगड़ के पकड़ के इन सबको जेल भेजा जाएगा।